हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वेब इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्वेल्थ लेक्चर ऑन जावास्क्रिप्ट एंड द टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स नाउ एज यू माइट हैव स्टडीड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस एंड जावा प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ एन एंटिटी हैविंग प्रॉपर्टीज़ एंड मैथड्स तो ऑब्जेक्ट का एक एंटिटी है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टीज का मतलब है स्टेट और कुछ मेथड्स हैं दैट इज बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स भी वेरिएबल्स ही होते हैं बट दे मे कंटेन प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफाइन करता हूँ वेर स्टूडेंट अब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो स्टूडेंट एक वेरिएबल भी हो सकता है बट अगर मैं इसके बाद एक प्रॉपर्टी और वैल्यूज ऐड कर देता हूँ देन दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट सपोज एक प्रॉपर्टी मैंने ऐड करी ब्रांच और इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी आई ये एक कोलन है देन एक प्रॉपर्टी मैंने सेट करी एच और इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी एटीन तो ये क्या हुआ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया विद द नेम स्टूडेंट सो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट ये है प्रॉपर्टी का नेम दिस इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दैट इज ब्रांच क्या है उसकी ब्रांच आईटी तो ये क्या हो गया वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में जैसे किसी वेरिएबल को आप उसकी स्टेट और बिहेवियर देना चाहते हो अब ये तो हो गया प्रॉपर्टीज नाउ देर आर सर्टेन मेथड्स जो हम अभी देखेंगे आगे वो क्या के वो एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सो मेथड्स आर नथिंग बट दीज आर द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्शंस को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मेथड्स होते हैं <coughs> तो आप देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करोगे आप तो प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए जो सिंटेक्स है दैट इज ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम इस सिंटेक्स को यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो एंड टू एक्सेस ऑब्जेक्ट मेथड्स यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट मेथड्स नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ बोथ एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मैथड्स तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट और इसकी प्रॉपर्टी ब्रांच और एज को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ और उसको मैं खाँ पे सेट करना चाहता हूँ एक पैराग्राफ टैग में जिसका आई डी है पी वन नाउ सिंस वी हैव स्टडीड डी ओ एम दैट इज वाई आई एम आई विल यूज द डाइनेमिक कंटेंट तो कैसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका क्या है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी नई डी आई हैव टू यूज पी वन सो राइट पी वन डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू अब मुझे इसकी वैल्यू सेट करनी है किससे इन दोनों की वैल्यू से तो देखिए कैसे लिखेंगे आई हैव टू यूज ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम ऑब्जेक्ट नेम इज स्टूडेंट सो राइट हेयर स्टूडेंट डॉट ब्रांच देन आई हैव टू कंकैटेनेट सो प्लस कंकेटनेट कर रहे हैं अब हम स्टूडेंट डॉट एज सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज नाउ यू विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मैथड्स सो मैथड को एक्सेस करने के लिए पहले हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर देखेंगे कि मैथड को कैसे डिक्लेयर किया जाता है सपोज द ऑब्जेक्ट द टाइम क्रिएटिंग इज अगेन्ट स्टूडेंट सो एस ले एस टी ई डी ले लेते हैं हम चलो इसका हमने बनाया ब्रांच देन एच अब फंक्शन डिफाइन करना है मुझे मेथड डिफाइन करना है ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम क्या यूज करेंगे सबसे पहले मेथड का नेम देन फंक्शन कीवर्ड सो द फंक्शन इज सपोज लाइक मर्च ज कॉलन इक्वल्स टू फंक्शन और इस फंक्शन की यहाँ पे आप डेफिनेशन दोगे जो भी आपको डेफिनेशन इसमें यूज करनी है और एक्सेस कैसे करेंगे अब इस फंक्शन को सिंपली हम एक्सेस करने के लिए क्या लिखना है आपको एच टी यू डी डॉट मैच जैसे आप इसे लिखेंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट के इस फंक्शन को ये कॉल कर देगा सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट नाउ देर आर थ्री डिफरेंट वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट फर्स्ट इज यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल तो द और द एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट लिटरल इज सिंपली राइट द जावास्क्रिप्ट कोड एंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट एस टी डी इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी नेम फॉर एग्जाम्पल आई डी एंड द वैल्यू सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल नाउ से इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसमें आपको क्या करना है फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सो so फॉर example आई want टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एच टू यू के अंदर हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस पास करेंगे कैसे न्यू ऑब्जेक्ट नाव एच टू इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट और इसकी वैल्यूज को सेट करने के लिए अब एस टू ईडी डॉट आई डी इज इक्वल्स टू वन एच टू यू डी डॉट एज इज इक्वल्स टू 90. So that is how you can uh, create an object and set the values of the properties of the object. You can use any of the following. App in my use as per your convenience. Now the third is using object constructor. So the example of creating an object using object constructor is create a script. Then we have to create a function and in this we are passing the parameters of the object properties suppose i d and age. now you have to set the property values with the help of this keyword this keyword will represent the current object so this dot is equals to i d and this dot h is equals to एच उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमें इसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। जैसे एस इज इक्वल्स टू न्यू एस टी यू डी द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस फंक्शन और इसके अंदर मुझे वैल्यूज पास करनी सपोज वन एंड नाइन्टीन सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर आप इनमें से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस So, this is about the JavaScript objects. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on JavaScript, web engineering, and other computer science related subjects. Thank you.